सर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान आज झाटला आगमन हो रहा है, किस प्रकार का माहौल है और क्या खास बात है? देखिए, बहुत हमारे लिए अच्छा अवसर है, प्रसन्नता का विषय कि हमारे प्रदेश के मुखिया आज झाटला की धरा पर हैं। और चूंकि पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि एक बीमारू प्रदेश से एक विकसित प्रदेश बनाने में शिवराज जी की एक अहम भूमिका है, जन जन उनसे प्यार करता है, परिवार परिवार में उनके लिए बड़ा सम्मान का स्थान है, और हम सब पार्टी के कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में इस प्रदेश को विकसित प्रदेश होते हुए देख रहे हैं। आज मन में प्रसन्नता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और शिवराज जी के नेतृत्व में प्रदेश और जावद विधानसभा हमारे ओम प्रकाश सकलेजा जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से विकसित हो रही है, और इसीलिए लोगों के मन में कल नामांकन रैली में भी हमने अभूतपूर्व उत्साह देखा, आनंद देखा, और ये खुशियों का क्षण है हम सबके लिए कि हम इतनी प्रसन्नता से आज इस माहौल को आगे बढ़ा पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक अद्भुत माहौल है, संकल्पित भाजपा विकास के प्रति संकल्पित है और लोगों का स्नेह विकास के लिए भाजपा के प्रति। सर, मंदसौर संसदीय क्षेत्र जो आपका संसदीय क्षेत्र है, भाजपा के लिए किस तरह की संभावना विधानसभा चुनाव? आठ विधानसभाओं में से आठ भाजपा के साथ है, पहले की तुलना में अधिक वोटों के साथ है, अधिक स्नेह और अधिक संकल्पों के साथ सिर्फ भाजपा, यही विश्वास जनता के। सर, कहीं ना कहीं बगावत के सूत्र निकाल देंगे। एक बात है कि हमारा पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास करता है, लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, और इसलिए पार्टी के अंदर की सारी बातें तर्कों के माध्यम से जनता के बीच आती है, मगर जो पार्टी का फैसला होता है उस फैसले को सब सलाखों पर लेते हैं, और उस फैसले के आधार पर पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पार्टी के प्रति निष्ठावान होकर काम करता है। मध्य प्रदेश में कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, एक बात है, मैं सकारात्मक भूमिका वाला कार्यकर्ता हूँ, देश भर के कई राज्यों में मैंने काम किया है, मैं पूर्ण बहुमत और मैं इतना विश्वासी हूँ कि 150 सीटों से ऊपर भाजपा को मिल रही है, इसी विश्वास के साथ हम काम कर रहे हैं।